हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कारों और एसयूवी की बिक्री में लगे टॉप गियर के चलते वैश्विक स्तर पर पैसेंजर वाहनों की बिक्री के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। दुनिया भर के ऑटोमोबाइल बाजारों में भारत ने जनवरी और फरवरी 2018 में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2018 के पहले दो महीनों में भारत ने 5,60,806 वाहनों की बिक्री की है, जो कि समान अवधि में जर्मनी द्वारा की गई 5,31,100 वाहनों के मुकाबले ज्यादा है। इन आंकड़ों के बाद भारत अब चीन, अमेरिका और जापान के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। वहीं जर्मनी पांचवें पर और इसके बाद ब्राजील और फ्रांस मौजूद हैं। सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी और फरवरी 2018 में करीब 40 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री की है। वहीं अमेरिका ने दूसरे स्थान पर रहकर 8,18,882 वाहनों और जापान 7,41,385 वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर है। इस वर्ष की शुरुआती दौर में ही जर्मनी की मोटर वाहन उद्योग संगठन VDA ने अनुमान लगाया है कि जर्मनी ने 2018 के दौरान 34 लाख वाहनों की बिक्री के साथ 2% के इजाफा कर दी। वहीं भारतीय बाजार में समान अवधि में यह अनुमान 10% ज्यादा का लगाया है। भारतीय बाजार ने वर्ष 2018 के दौरान 36 लाख वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जो पूरे कैलेंडर के लिए जर्मनी की संख्या से अधिक है। भारत ही उन टॉप चार में ऐसा बाजार माना जा रहा है जिसकी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही यह भी अनुमान है कि वह आने वाले समय में बिक्री में और तेजी से बढ़ोतरी करेगा। वहीं दूसरे बाजार अमेरिका और जापान इस मामले में फ्लैट या नकारात्मक रह सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन 2018 के पहले दो महीनों में वाहनों की बिक्री के मामले में फ्लैट रहा है।